बड़ी खबर का रुख करते हैं। पंजाब सीएम चन्नी की चिट्ठी पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब, कहा कि देश की अखंडता एकता से खिलवाड़ नहीं होगा, अखंडता एकता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे। सरकार ने बेहद गंभीरता से मामले को लिया है, मैं खुद मामले को गहराई से दिखवाऊंगा। आम आदमी पार्टी के SFJ से संबंध बेहद गंभीर बात है, ऐसे लोग देश को तोड़ने की साजिश रच सकते हैं। इस तरह के लोग देश के दुश्मनों से अलग नहीं। पंजाब सीएम चन्नी ने आम आदमी पार्टी की जांच की मांग की थी। चन्नी ने लगाया था आम आदमी पार्टी के खालिस्तान समर्थकों के साथ संबंध का आरोप, और इस पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, क्या इसको इस तरीके से देखें कि जांच तो हो ही रही है, लेकिन पंजाब की सियासत में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ऊपर आई, अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य संगठन, वो इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को न सिर्फ घेरना चाहते हैं बल्कि पंजाब के सामने दिखाना भी चाहती है कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। बिल्कुल विजेंद्र, आज के दिन जब पंजाब में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, उस दिन और अगर देखें तो पिछले 48 घंटे पहले की तस्वीर ये थी विजेंद्र, जब हम भी पंजाब में थे और हम ग्राउंड रिपोर्ट में ये कह रहे थे कि अंडर करंट तो था ही, लेकिन अब कांटे की टक्कर में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ है। और ना सिर्फ पूरे देश की मीडिया ये बता रही थी कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतती है, हम इस पूरे घटनाक्रम की पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं विजेंद्र, कि आम आदमी पार्टी अगर पंजाब में जीतती है तो जो नॉर्थ इंडिया के प्रदेश हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया के जितनी, जैसे कि खास तौर पर गुजरात, जो आने वाले अब अगले जो चुनाव है उसमें गुजरात आता है, राजस्थान भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, इन तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी अब अपने तेवर दिखाना शुरू करेगी। लेकिन फिर ठीक 2 दिन पहले एक वीडियो आता है और कुमार विश्वास ने तमाम, वो बेबाक तरीके से बात कहते हैं, कुमार विश्वास की बात बहुत कन्विंसिंग लगती है और यहाँ पर टर्निंग पॉइंट होता है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से खंडन आता है और ये कहा जाता है कि अगर कोई मीडिया चैनल चलाएगा तो हम उसको नोटिस दे देंगे, लेकिन उसके बाद फिर भी कुमार विश्वास का बयान आता है। और अब ऐसे में इस मोड पे जब चन्नी, जो खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो पहले भी कैप्टन अमरिंदर को लेकर भी जो सिक्योरिटी पर एक मुद्दा उठा था, और अभी भी सिक्योरिटी को लेकर तमाम मुद्दा जब उठा है आम आदमी पार्टी के इस तरह के संबंध सेपरेटिस्ट से, और सेपरेटिस्ट का सहारा लेकर चुनाव जीतने की बात, ये तमाम चीजें, और फिर जो देश के गृह मंत्री हैं उनका इस तरीके का जवाब, ये तमाम चीजें बहुत गंभीर हो जाती है। बिल्कुल अदिति, लेकिन एक और इसको पॉलिटिकल तरीके से जाना चाहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत कुछ चलता है। अगर इस कुमार विश्वास के बयान के बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब में नुकसान होता है तो फायदा किसको होगा? क्या बीजेपी इसमें अपना एक माइलेज तलाश रही है? देखिए, जाहिर तौर पे अभी भी जो पॉलिटिकल एनालिसिस हैं वो इसी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास किसके इशारे पे ये बयान दे रहे हैं। अगर सरफेस पे देखें तो लगता है कि कांग्रेस के इशारे पे बयान दे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक समय ये भी आया था जब कुमार विश्वास राज्यसभा सीट बीजेपी से मांग रहे थे, लेकिन फिर कुमार विश्वास के जो अभी हाल ही में जो कवि सम्मेलन हुए वो छत्तीसगढ़ में हुए, वो उन राज्यों में हुए जहां कांग्रेस की और कांग्रेस से संबंध भी नजदीक आए। बहरहाल बात यह है कि चाहे इस पूरे हालात के बाद कांग्रेस सरकार दोबारा बना ले पंजाब में, लेकिन फायदा सीधा सीधा होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर पंजाब में अपनी सरकार बनाती है तो वो फिर गुजरात में भी बनाने की कोशिश करेगी, और उसके बाद वो राजस्थान में भी इंटरफेयर करेगी, और उसके बाद वो दूसरे में, जैसा मैंने कहा, नॉर्थ इंडिया के राज्यों में। और सबसे बड़ा मसला है जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी जीतने के बाद, ममता बनर्जी 2024 की दावेदारी करती हैं बड़े अपोनेंट के तरीके से, वैसे ही अरविंद केजरीवाल एक विपक्ष के, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष के रूप में खड़ा होता है और 2024 में नरेंद्र मोदी को सीधे टक्कर देने की कोशिश करेंगे। अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि जांच की बात तो की गई, लेकिन क्या पंजाब के परिणाम के बाद भी इस मामले को इतना ही गंभीरता से लिया जाएगा, और क्या वाकई में जांच रिपोर्ट कभी सार्वजनिक होगी, ये सबसे गंभीर सवाल है।